भाई साहब बहुत ही डेंजरस रास्ता है ये। अच्छा ये जो सामने जो जा रहा है रास्ता, ये चटकपुर का रास्ता था, ये बंद कर दिया वो फॉरेस्ट का ऑयल। अच्छा एक घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा सर। अच्छा सोनादा स्टेशन जी जी। ये देखो गाइस पाइन फॉरेस्ट, खतरनाक। ये लोग सब ट्रेक करते करते जा रहे हैं। ये लोग देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन, एक दो तीन, साढ़े पैसे इस सीनिक व्यू के लिए। ये सुजा ये बताओ ये क्या है? ये है बंगाली का फेवरेट डिश मछली, यहाँ पे गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा। बहुत ही गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चटकपुर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम निकल चुके हैं लापचा जगत से। अगर आपने मेरा लापचा जगत का व्लॉग देखना है तो ऊपर जो आई बटन है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं यहां पे लापचा जगत में दो दिन में था और यहां पे मैं एक होमस्टे में भी था। होमस्टे का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह है चटकपुर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं जा रहा हूँ चटकपुर। और हम एक गाड़ी बुक करके निकल चुके हैं ऑलरेडी। सुबह के शायद 12 बज रहे हैं, अभी थोड़ा लेट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए हमको निकलने में थोड़ा सा देरी हो गया था। चलो, और हाँ दोस्तों, मैं चटकपुर कैसे कैसे जाना है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा थोड़ी विस्तार में। आप व्लॉग को देखिए। और चलिए दोस्तों, हम अपने ड्राइवर से भी बात पूछ रहे थे कि चटकपुर जाने में कितना टाइम लगेगा और कैसा रास्ता हमको देखने को मिलेगा। भैया आपका नाम बताइए। मेरा सुनाम भटिया सर। अच्छा, तो चटकपुर यहाँ से लक्ष्य जगत से कितना टाइम लगता है आपको? एक तो जगह से एक घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा सर। अच्छा ऊपर में। अच्छा जाते जाते 3 मील भी जा सकते हैं। 3 मील का रास्ता थोड़ा खराब है। अच्छा 3 मील से थोड़ा दूर पड़ेगा, सुनाटा होके थोड़ा नजदीक पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और चटकपुर जो है, मतलब मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि कुछ टिकट विकेट लगे, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, वो वायरलेस टिकट तो जो गाड़ी का कितना 400-400 कितना ऐसा लेता है? अच्छा आदमी को 100 ऐसा 20 रुपीज ऐसा देता है। अच्छा टिकट। अच्छा ऐसा क्यों चटकपुर में ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो फॉरेस्ट एरिया है ना सर। अच्छा अच्छा ये जा रहा है कालिम्पोंग का रास्ता, टाइगर हिल। अच्छा ये, और ये दोस्तों ये जो जा रहा है ऊपर का जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये चला गया ऊपर का रास्ता, ये जा रहा है टाइगर हिल का रास्ता। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये टाइगर हिल का रास्ता है। अच्छा ये जो सामने जो जा रहा है रास्ता, ये चटकपुर का रास्ता था, ये बंद कर दिया वो फॉरेस्ट का ऑयल। अच्छा तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये चटकपुर का रास्ता, वो तो अभी बंद कर दिया फॉरेस्ट ऑफिसरों ने। लेकिन चलो जिस रास्ते में हम जाएंगे वो रास्ता कैसा वो भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोनादा रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का। तो यहाँ पे ड्राइवर जी बता रहे थे कि यहाँ से एक रास्ता है सोनादा रेलवे स्टेशन के ठीक बाजू में एक रास्ता है, उसी रास्ते से हम लोग चटकपुर के रास्ते निकल जाएंगे। अभी हमारे ड्राइवर जी बता रहे थे क्योंकि यहाँ पे लाउड म्यूजिक चल रहा था यहाँ पे मार्केट एरिया में, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस रास्ते से चटकपुर की तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ता बहुत ही स्टीप रास्ता है ये। भाई साहब बहुत ही डेंजरस रास्ता है। अब देख सकते हैं गाइस कितना स्टीप है यहाँ पे। एक ही गाड़ी जाएगा यहाँ से, सिर्फ एक ही गाड़ी जाएगा ना, ऊपर से गाड़ी आ गया तो बस खेल खत्म। अगर एक यहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकता है, और अगर एक ऊपर से गाड़ी आया
बस समझ लो वहीं पे हो गया खत्म। देखिए कितना घट्टा फुट्टा भरा हुआ है। आप देख सकते बाप रे बाप हमारी हालत खराब हो जाए। लेकिन जो भी कहो कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत तो करना पड़ेगा, वही मेहनत अभी हम कर रहे हैं। लेकिन गाइस चटकपुर का सीनिक ब्यूटी आपका इंतजार कर रहा है। एक्चुअली हमारे 20-25 घर है। अच्छा अच्छा, उसका रास्ता है एक नीचे से जाना पड़ेगा एक ऊपर से। आप लोग वहाँ चटकपुर घूमने से ऐसा 20-15 मिनट में पूरा चटकपुर घूम सकते हैं आप लोग। अच्छा अच्छा, छोटा सा गाँव है, सिर्फ 20-25 ही घर है। 20-25 घर है, सबका होम स्टे है क्या? सब गाँव ही होम स्टे चटकपुर, विलेज गाँव ही पूरा एकदम होम स्टे। तो ये था दोस्तों चटकपुर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ये दोस्तों अब हम इस रास्ते से आए थे और ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा चला जाता है लामाहाटा। इसका भी एक सरप्राइज है आपके पास, वो अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। ये जो रास्ता है आप इसको सिर्फ याद रखिए, ये रास्ता लामाहाटा की तरफ जाता है और ये रास्ता चटकपुर की तरफ। चलिए भैया, ये जो चटकपुर है और टाइगर हिल ये दोनों का हाइट लगभग सेम ही है ना? सेम है, थोड़ा ज्यादा टाइगर हिल है। अच्छा अच्छा, थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, पीछे वाला आगे भी है सर, उस ऊपर भी है। कैसा लग रहा है सुप्रकाश? रास्ता कैसा लग रहा है? एंजॉयिंग कैसा लग रहा है सुप्रकाश? खतरनाक क्यों और को ऐसा ही चाहिए था ना एडवेंचर। बाप रे, बहुत ही रास्ता खराब है लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन हाँ, अगर आप फैमिली के साथ आओगे ना थोड़ा सा तकलीफ होगा उन लोगों को, लेकिन हाँ फ्रेंड्स के साथ आओगे तो वैसा कुछ तो बढ़ेगा नहीं। फैमिली के साथ जो भी आएगा उनको बहुत तकलीफ होने वाला है, ये तो बात है। पूरा फाइन फॉरेस्ट है सर, ये देखो गाइस, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, रुको। ये देखो गाइस फाइन फॉरेस्ट। अच्छा अच्छा गाइस, हम लोग अभी वो चेक पोस्ट जो टिकट के बारे में मैं आपको बताया था फॉर रिजर्व का, वो चेक पोस्ट में आप आ चुका है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों वही है वो चेक पॉइंट। चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। ये जो टिकट का प्राइस है ये देखिए, ये है वो टिकट का, ये 120 रुपए का टिकट है। ये आपको आते टाइम भी ये टिकट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। वैसे वहाँ पे जो टिकट का प्रोसीजर है वो मैं आपको वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे आपको दो वे से आप जा सकते हैं चटकपुर। एक तो आप यहाँ से जैसा मैं आपको दिखाया, कुछ लोग यहाँ से ट्रेक करके भी जा रहे हैं और वैसे हम लोग तो गाड़ी करके जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेक करके भी आप जा सकते हैं और गाड़ी जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं उस गाड़ी का भी एक टिकट आपको लेना पड़ेगा जिसका प्राइस है 400 रुपीज। तो पर टिकट पर हेड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 120 रुपीज और गाड़ी के लिए आपको देना पड़ेगा 400 रुपीज। तो ये रहा दोस्तों, ये था चटकपुर का जो फॉरेस्ट एरिया का प्रोसीजर। आपको यहाँ पे आके अपना फुल नेम और क्या देना पड़ेगा सुप्रकाश? आईडी प्रूफ, आधार और वोटर और पैन। अच्छा, तो कुछ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा ऐसा, और टिकट खरीद के आप जब निकल जाए। लेकिन हाँ याद रहे दोस्तों, ये टिकट आपको संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि आते टाइम भी ये टिकट लगेगा। अगर आप ये टिकट किसी भी वजह से अगर आप इसको खो देते हो फिर आपको यहाँ पे फिर से 120 रुपए टिकट खरीद के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग किस रूट से यहाँ से आए हो। गाइस ये लोग सब ट्रेक करते करते जा रहे हैं, ये लोग देखो सब ट्रेक करते करते जा रहे हैं। अगर आपको भैया के साथ जाना है इस ट्रिप में तो भैया का यहाँ पे एक नंबर है, ये जो नंबर है ये और एक यहाँ पे भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया आपको पूरा गाइड देते हुए आपको लामाहाटा चटकपुर
कहीं पे भी आपको जाना है आप भैया से जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इवन कि गैंगटॉक भी अगर आपको जाना है आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele. Guys, हम लोग पहुंच चुके हैं चटकपुर। और दोस्तों जर्नी कैसा था? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, चढ़ाई उतराई मिला, एडवेंचरस था, एडवेंचरस था। दोनों तरफ पाइन का पेड़ था, मेघ है यहाँ पे, रास्ता खुदाई, बट रास्ता बहुत ही डेंजरस था। ठीक है, पता नहीं कैसे पहुंच गए, लेकिन पहुंच गए एटलीस्ट। लेकिन एडवेंचरस जर्नी था। यहाँ का ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए पीछे जो रास्ता जा रहा है, सुप्रकाश बताओ तो यहाँ पे क्या है? ये जो रास्ता है ये अपर चटकपुर का रास्ता है। ओके, और ये जो रास्ता है ये लोअर चटकपुर का रास्ता। हाँ, लेकिन जाके एक ही जगह में, एक जो जो चटकपुर का मेन जगह है, हाँ, एक ही जगह में जाके एक साथ हो जाता है। हाँ, लेकिन ये जगह है अपर, थोड़ा हाइट में जो होम स्टे है अब इधर से जा सकते हैं, जैसे की सनराइज होम स्टे। ओके, और बाकी सारे सब जो होम स्टे है। तो अभी हम लोग इस रास्ते से जाएंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ट्रेक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से गाड़ी जा सकता है लेकिन इतनी चढ़ाव में गाड़ी को जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम सोच रहे थोड़ा सा ट्रेक करने का भी मौका मिल जाए, इसलिए हम लोग जाएंगे ट्रेक करते हुए। चलिए दोस्तों हम लोग अपना बैग फैग ले लेते हैं, फिर आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो भैया यहाँ से आपने जो रूट बताया था कि जो हम रूट अभी पकड़े, जैसे कि हम लैपचा जगह से डायरेक्ट हम चटकपुर आए, जो आप बोल रहे थे जो रूट लामाटा या फिर चटकपुर, वो रूट आप थोड़ा सा बताइए कि कौन सा रूट जाने से पूरा जो रूट है हम कवर कर सकते हैं। जाने टाइम आप लोग क्या लीजिए, वो जो नीचे सुनादा होके आया ना वो रास्ते से मत जाइए। हाँ, तीन मील होके, हाँ, नीचे लामा आटा जाइए, तीन मील, वो रास्ता थोड़ा नजदीक पड़ेगा आप लोग को। अच्छा, फिर आप लोग सुनादा जाके वो वहाँ से फिर घूम पहुँचना पड़ेगा, घूम से फिर तीन मील आना पड़ेगा, रास्ता लॉन्ग पड़ेगा, भाड़ा भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा आप लोग को। अच्छा, यहाँ से थोड़ा वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा अच्छा, लामा आटा जाने के लिए। अच्छा, फिर लैपचा जगत से फिर पहले हमको जाना चाहिए ऋषिहाट। ऋषिहाट उसके बाद पहले ऋषिहाट। अच्छा, ऋषिहाट से लामा आटा। ओके, लामा आटा से लास्ट दिन चटकपुर। अच्छा, चटकपुर से बैक एनजीपी करने से, बुकिंग करने से अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों आपको ऋषिहाट, लामा आटा और चटकपुर घूमना है तो भैया ने जैसे कहा उस रूट से आप अगर आए तो आप पूरा रूट कवर कर सकते हैं। भाड़ा भी थोड़ा कम पड़ जाएगा आप लोग, आपका जो जाने का जो खर्चा है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और वापस आते टाइम आप एनजीपी, दार्जिलिंग जो भी हो आप घूम के वापस जा सकते हैं। तो हमने जो रूट पकड़ा था वो तो थोड़ा डिफरेंट रूट है, लेकिन हम सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आप कभी भी प्लान करते हो यहाँ पे आने की, तो आप भैया ने जो रूट कहा उस रूट को अगर आप फॉलो करोगे तो यस आप सब कुछ कवर कर सकते हो। ऋषिहाट, लामाहाटा, लैपचा जगत और चटकपुर, ये था दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हम किस होम स्टे में हम रहते हैं। आइए। सो सुप्रकाश, अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? वो जो पिंक वाला जो बिल्डिंग है। अच्छा, वो है हम लोगों का होम स्टे, वो वाला पिंक। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो उधर हम लोगों को जाना है, हम थोड़ा गलत रास्ते में आ गए हैं। हाँ, लेकिन फिर हम लोग और एक रास्ता पकड़ के जाएंगे, लेकिन और भी शॉर्ट रास्ता है, हम लोगों को पता नहीं था इसलिए हम लोग थोड़ा आगे आ गए। हाँ, फिर से हम लोग जा रहे हैं। अब से मैं डायरेक्ट आपको मिलूंगा होम स्टे पे, फिर आपको होम स्टे का भी रिव्यू थोड़ी देर में आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग है चटकपुर पे और आपके लिए रूम टूर तो बनता है, लेकिन उससे पहले हमारे रूम से ये व्यू आप देखिए, है ना मिसमराइजिंग। अगर जन्नत किसी को कहते हैं तो यही है वो जन्नत।
जी हाँ दोस्तों, चटकपुर, व्हाट अ सीनिक ब्यूटी। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है, मेरे को बात करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, इतनी ठंड है यहाँ पे। आपके लिए अब रूम टूर का वक्त आ चुका है, आइए। ये है गाइस चटकपुर में हमारा होम स्टे, हमारा रूम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन, एक दो तीन, तीन डबल बेड का होम रूम है जहाँ पे आराम से छह लोग रह सकते हैं। बात करने में थोड़ी दुविधा हो रही है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, लेकिन रूम टूर तो आपको दिखाना तो बनता ही है। ये है हमारा रूम, यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर टेबल, यहाँ पे एक चीज की कमी है जो है कबर्ड, वो चीज की थोड़ी कमी है। और ये रहा दोस्तों हमारे लिए वॉशरूम, गीजर भी आपको मिल जाएगा 24 आवर्स गर्म पानी। ये हो गया हम लोग का वॉशरूम, आपको यहाँ पे डस्टबिन भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सारे पैसे इस सीनिक व्यू के लिए है ना, कमाल का रूम। सुबह उठ के आपको यही व्यू मिलेगा, शाम में भी आपको यही व्यू मिलेगा। अगर आप सारा दिन रूम में ही रहना चाहते हैं तब भी आपको ये रूम मिलेगा। सारे पैसे इस सीनिक ब्यूटी के लिए। यहाँ से आप एक सीनिक ब्यूटी देख सकते हैं, एक खिड़की यहाँ पे है, यहाँ से आपको पाइन फॉरेस्ट मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ से एक पाइन फॉरेस्ट का सीनिक ब्यूटी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक और खिड़की है, यहाँ से भी आपको सीनिक ब्यूटी मिल जाएगा। ये दोस्तों है ना एक सीनिक रूम। और पता है दोस्तों ये रूम बारसे इको होम स्टे, यस दोस्तों इस होम स्टे का नाम है बारसे इको होम स्टे। इस रूम में पर डे का चार्ज 1500। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 1500 पर नाइट का रूम है ये। इतने कम पैसों में आपको ऐसा फैसिलिटी मिल जाए तो क्या ही कहना, है ना कमाल का जगह। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की स्पेशलिटी। दोस्तों अब मैं वो आपको मैजिक दिखाता हूँ, आइए। मैं आ चुका हूँ छत पे, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, बस आप सिर्फ 360 डिग्री में इस जगह को देखिए और महसूस कीजिए। ऐसे सीनिक ब्यूटी में हम आ चुके हैं लंच करने, और देख सकते हैं हमारा लंच पहले से ही रेडी था। और आज देखते हैं लंच में क्या मिला है। यहाँ पे आप अगर देखें ये बड़े से कैसरोल में हमको मिला है स्टीम राइस, फिर सुजा ये बताओ ये क्या है। ये है बंगाली का फेवरेट डिश मछली, फिश करी, वाओ नाइस। और इसमें क्या है, गर्मा गर्म दाल, ओहो लवली। और इसमें है कुछ लौकी की सब्जी, शायद ये लौकी की सब्जी है। और इसमें है वो आलू चोखा होता है ना, आलू चोखा, वो है आलू चोखा, मसाला फसाला लगा के आलू चोखा। और यहाँ पे थोड़ा सा मक्खन भी दिया है, अचार, पापड़, और यहाँ पे हमको मिला है सलाद।
तो मैंने देख आप जैसे देख सकते हैं मैंने सब कुछ ले लिया एक एक करके, बस टेस्ट करना कैसा क्या है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राइस, यहाँ पे थोड़ा सा आलू चोखा, ये आलू कद्दू की सब्जी है, ये एक्चुअली लौकी की सब्जी नहीं, आलू और कद्दू की सब्जी है। यहाँ पे एक फिश, यहाँ पे पापड़ और थोड़ा सा सलाद। लेकिन ये जो लंच है गर्मा गर्म दाल चावल मिल जाए ना, बस इतने टेस्ट कैसे। नॉट बैड चुका। ये जो पानीपुरी में जो आलू का मसाला आता है ना, प्याज, धनिया, मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च, फिर जीरा पाउडर, वैसा कुछ है। एक वो पानीपुरी का जो आलू का जो सब्जी होता है वैसा कुछ बनाया इसको। और ये देखते हैं ये क्या है, यस आलू और कद्दू की सब्जी, राइट। और देखते हैं फिश कैसे है, मैं इसी को टेस्ट करने में एक्साइटेड हूँ ज़्यादा। वैसे हमको तो लैपचा जगत में दो टाइम पे अंडा और चिकन मिला था, वहाँ का खाना तो एक नंबर A1। यहाँ पे बहुत दिनों बाद फिश भी मिला है, देखते हैं कैसा है। एक नंबर इस फिश को, एक नंबर बिल्कुल फ्रेश, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश, बढ़िया। ग्रेवी भी बहुत मस्त है, बिल्कुल धनिया पत्ता देके बहुत ही अच्छे से कुक किया है, बहुत ही बढ़िया। होम स्टे का जो खाना होता है आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, मतलब बिल्कुल घर में आप जैसे खाना खाते हैं लंच डिनर, बिल्कुल वैसा ही खाना हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। वैसे अगर जो मैंने आपको रूम टूर दिया था, वो रूम टूर के बाद अभी हम लोग जो लंच करने आए, रूम के ठीक बगल में नीचे हमारे रूम के इसके ऊपर ही हमारा रूम है, रूम के नीचे ये जगह है कैंटीन सा, और बगल में ही किचन है, यहाँ पे बैठ के लंच करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों मैं अभी कर देता हूँ लंच, आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम लोग शाम के 5:30 बज रहे लगभग, और अभी हमको हाइट भी मिला है। सुजय ज़्यादा बताओ तो हाइट में क्या मिला है। गर्मा गर्म चाय, यहाँ पे गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा। प्रकाश ज़्यादा पी के बताओ तो कैसा है चाय आज का। बहुत ही बढ़िया, ये इधर लौंग डाला है आई थिंक, लौंग और लवंग भी दिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इस, मतलब इस ठंड में ये चाय होना चाहिए। वाओ अमेजिंग। मैं देखता हूँ चिकन पकौड़ा कैसा है, पहले तोड़ के देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो पूरा चिकन भरा हुआ है फील्ड। नॉट बैड, ब्रिलियंट। हाइट में चिकन पकौड़ा और ऐसा चाय, अमेजिंग। शाम हो तो ऐसी, वो भी चटकपुर में, व्हाट अ सीनिक ब्यूटी, व्हाट अ शाम। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी डिनर का वक्त हो चुका है, अभी बज के अभी बज रहे हैं रात के 9 बजे करीब, और अभी हम लोग डिनर करने आ चुके हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत ठंड है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ खाने में आज का हमको क्या मिला है। गर्मा गर्म रोटी चपाती, उसके बाद गर्मा गर्म स्टीम राइस, और आज का डिनर का स्पेशलिटी चिकन कशा। ओहो यही फेवरेट है। और हाँ जैसा कल का मिला था हमको लैपचा जगत, वैसे यहाँ पर हमको मिला है झुटझुट आलू भाजा, मतलब फिंगर चिप्स, पोटैटो चिप्स, और यहाँ पे गर्मा गर्म दाल, यहाँ पे पापड़, सलाद, अचार और थोड़ा सा बटर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ
खाना आज कैसा मिला हमको। तो दोस्तों मैंने खाना ले लिया है, तो देखते दाल चावल कैसा है। एक दिन तो खा लेंगे। बहुत ही बढ़िया एवं दाल भी बिल्कुल अच्छे से पका हुआ, मतलब लंच से डिनर वाला दाल मुझे ज़्यादा पसंद आया, और साथ में इसका कॉम्बिनेशन नाइस। चिकन का स्वाद वाह, चिकन भी बिल्कुल अच्छे से पका हुआ, एकदम आसानी से निकल रहा है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग। बढ़िया। चलिए दोस्तों खाना जल्दी ठंडा होने से पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम ही अब लोग डिनर करके अपने रूम पे आ गए। आज के लिए बस इतना ही, आज के व्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे यहाँ चटकपुर में, एक पाइन फॉरेस्ट है वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने, देखते वहाँ पे क्या है। तो उसका व्लॉग आपको अगले, उसका पार्ट आपको अगले व्लॉग में मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ ऐसे मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बातें हुई मुलाकातें हुई, जाने कब यार तू हो गया यारी ही तो बस। अब सब आज है डे टू चटकपुर पे। पत्ता गोभी का सब्जी उसको यहाँ पे उगाया है। हम लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका पहले से उधर वगैरह करते हैं वहाँ पर। ये बियर का बाल है ना। हाँ। ये दोस्तों है चटकपुर का व्यू पॉइंट कंचनजंगा के लिए।